हिमाचल प्रदेश के थोक दवा विक्रेताओं ने दवा निर्माता कंपनियों से जीएसटी लागू होने से पहले के स्टॉक पर लगे जीएसटी का भुगतान जल्द करने की मांग उठाई है। मंडी में संपन्न हुई हिमाचल प्रदेश थोक दवा विक्रेता संघ की बैठक में इस विषय पर गहनता से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद कौशल ने की। हिमाचल प्रदेश के थोक दवा विक्रेताओं ने दवा निर्माता कंपनियों से जीएसटी लागू होने से पहले के स्टॉक पर लगे जीएसटी का भुगतान जल्द करने की मांग उठाई है। मंडी में संपन्न हुई हिमाचल प्रदेश थोक दवा विक्रेता संघ की बैठक में इस विषय पर गहनता से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद कौशल ने की। बैठक में शिमला, मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिलों से आए करीब 30 थोक दवा विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद कौशल ने बताया कि जब देश भर में जीएसटी लागू हुआ था तो उस वक्त थोक दवा विक्रेताओं के पास पुराना स्टॉक भी पड़ा था। दवा निर्माता कंपनियों ने आश्वासन किया था कि इस स्टॉक पर जो भी जीएसटी लगेगा उसका कंपनी की तरफ से भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बहुत सी कंपनियों ने तो पुराने स्टॉक पर जीएसटी का भुगतान कर दिया है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अभी तक इस भुगतान को नहीं कर पाई हैं। इन कंपनियों के पास दवा विक्रेताओं का लाखों रुपया फंसा हुआ है। प्रमोद कौशल ने बताया कि कंपनियों के साथ इस संदर्भ में वार्ता चल रही है, लेकिन जल्द निर्णय न होने की स्थिति में संघ कंपनियों के प्रति कड़ा रुख अपना सकता है। बेसिक मुद्दा हमारा जब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन होनी थी उसके पहले जो हमारा प्री जीएसटी का जो स्टॉक था, बिकॉज टैक्स के जो रेट्स थे वो इंक्रीज होने थे, जैसे 5 से 12% पे गया, 12 से 18% पे गया, तो उसके डिफरेंसेस आने थे और आ रहे थे। तो कंपनी ने हमें अश्योर किया था कि जो भी आपके लॉसेज होंगे हम इसको पूरा करेंगे। अब कुछ कंपनियों ने तो कर दिए, कुछ कंपनियाँ थोड़ी सी आनाकानी कर दी है और हमारी उनके साथ बातचीत हो गई है। तो बाय कमिंग टाइम नेक्स्ट मीटिंग में शायद वो सोल्यूशन भी हमारा हो जाएगा और जितने भी लॉसेस फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल के हुए हैं अभी तक वो हम पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। प्रदेश के संगठन सचिव नवजीत तलेजा ने बताया कि मंडी में आयोजित बैठक में थोक दवा विक्रेताओं को जीएसटी से संबंधित पेश आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई। विक्रेताओं को जीएसटी की बारीकियों के बारे में बताया गया और उनकी छोटी छोटी परेशानियों को मौके पर ही समाधान भी किया गया। उन्होंने बताया कि जल्द ही संघ की अगली बैठक आयोजित करके आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। बैठक में प्रदेश सचिव सुवास एरी, मंडी जिला के अध्यक्ष अरविंदर, महासचिव अश्विनी ठाकुर, कोषाध्यक्ष संजीव कपूर और संगठन सचिव दीपक कपूर सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज हमारे यहाँ मंडी में प्रमोद कौशल प्रधान फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में एक स्टेट लेवल की मीटिंग हमने संपन्न करी है, जिसमें हमने कई मुद्दों पे काफ़ी डिसीजन लिए हैं जो इन कमिंग टाइम्स डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर भी उसमें इन्वॉल्व था एंड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू इन्वॉल्व है एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व है, तो उसमें काफ़ी हमने अपने डिसीजन लिए हैं और उनको हम आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट करेंगे एंड नेक्स्ट जो मीटिंग है उसके ऊपर भी हमने डिसीजन लिया है। तो उसके अलावा जीएसटी काउंसिल के ऊपर हमने जीएसटी के ऊपर कई चर्चा की है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमने कंपनीज के साथ जो प्रॉब्लम है उनको डिस्कस किया, सो उसकी अध्यक्षता और अगली जो मीटिंग है वो हमने डिसाइड करेंगे। कहाँ एक सबसे जो मेन मुद्दा हमने डिस्कस करा कि कॉर्पोरेट्स के साथ जो हमारी कंपनीज के साथ थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ डीलिंग्स, तो वो हमने उसके ऊपर डिस्कस करा था कैसे कंपनी के साथ हमने करना है, कैसे उनसे सोल्यूशन करना है। और दूसरा ये है कि हमने अपने मेंबर्स को कैसे उसके बारे में आगाह करना है। कार्यक्रम में वक्त तो चला, छोटे ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।